चिट्टा विखा रहा। हाँ देखो चिट्टा मैं फड़िया, ये बंदा वो नाल ही, इस करके तो मैं परचा दर्ज कर लगा। ठीक है जी प्रेतर पुटर देखो ये धक्का मुक्की भी कर। इस तरह सर के मैं मैनू महल वाले ने बड़ी ज्यादा सू आ मैं कहें कि यह बंदा साढ़े ना चलान कटदा, तो जबकि एक चिट्टे का धंधा करता है। वो मैं महल वाले समझाता, मैं यार अगले ड्यूटी है उन्होंने ड्यूटी कर दौ। तो पर महल वाले जल्द ज़्यादा परेशान हुए, फिर मैं यदि उदा वाइट लाइन चल गया। जल्द मैं परेशानी किस चीज़ की परेशानी? ये परेशानी के लोगों यानी कि धमकी जी दे के ना पिछे लैंदा ही है चलान के नाँ देते। ये गड्डिया बिचे बैठा रहा, गड्डिया बिचे बैठा रहा। जे तेरी ड्यूटी है तू ड्यूटी भी है, तो अपनी ड्यूटी कर सड़क उत्ते खड़ के जोड़ा आता तू रोको। जो तुम दुख लगता भी हाँ अपने सॉरी शक पैंता तुम्हें रोको, लेकिन ये बंदा अपनी गड्डी के ही बैठा रहा है। तो गां जो इन्होंने प्यादे रखे हुए है वह बंदे फटफड़ पिछे लैके जाते हैं, पिछों जाके पैसे फड़ लेंगे ने। वो बंदा बड़ा सोहना निकल जाता पैसे, कभी 500 कभी 1000 बंदे के हिसाब से पैसे लैके उन्होंने छड़ देने। या फिर कहेंगे तेरा अभी मोटरसाइकिल जरा उस अपने थाने भेज देना है तो ब मतलब की कहने भी बंद कर देना तेरा मोटरसाइकिल। तो वो मैं भी यही वाइट लाइन गया। तो ये पिछे जो रास्ता तुम देख रहे हो कि यह रास्ता ना सिर्फ इन्ना की रास्ता है जिसे यानी कि चिट्टा लोग उत्तर लैन आते हैं, चिट्टा उतों लैके तो जाते हैं। इस दो दिन पुलिस वाले भी है जो चिट्टा लाते हैं। ये तुम 24 घंटे सवेरे तुम आ जाओ 7 बजे आ जाओ, थोड़ा इतने सारे टीका लाते मिलने। ये पीरू बंदा सरेन टापरी है जी साडा, जिदी मैं अगे भी कमिश्नर साहब न कई बार मेल पाती है, तो कई बार मैं लाइव वीडियो भी भेजी हैगी है। तो पर इस थाने वालों कोई सुनवाई नहीं हैगी, कोई गलबात नहीं हैगी। यह थाना सलेम टापरी है जी, इतने साढ़े महल तकरीबन हाँ वो मैं तुम सारी दसदा, मैं वो सारी दसदा। इतने 17-18 बंदे जो है चिट्टे का धंधा कर लग गए आ। स्टार्टिंग से 1-2 बंदे सी करते करते जी वो 17-18 बंदे हो गए आ। तो महल वाला जीना लैन गया जी, तो मैं जल्द इन्नी गल कही कि इन्हों की अगे भी शिकायत आई है भी ये मतलब पब्लिक को हरासमेंट करते हैं बार बार। तो इतने चिट्टा बिकता है तो ये बंदा बिच हाथ हुआ, तो इस बंदे को जल्दी बर्दाश्त नहीं होया। तुम जिदा देख सकते हो कि इन्नी गल मेरे कहने फटाफट एक गड्डी चिट्टा कढ़ के लिया, पुड़ी जी कढ़ के लिया। तो वह कहना क्या जी ए बंदा वो असी तो बंद की खबर ना तुरंत पाई दी है भी हाँ भी आ बंदा नशा बेचता। इतने साढ़े महल्ले में लोग टीका लाने फटते हैं, साड़ी कई बार मोटे टीके वाले ने लड़ाई होंगी है कि तुम भाई जो गलत काम करते हैं उदा इतों निकलो इतों बहर, क्योंकि साढ़ा इज्जत सारा महल है, सारा मेरा अपना बसाया महल है। ये रेलवे लाइन के नाल ही है जी, ये आम चलता जी। तुम जिस मर्जी आ जाओ, रात को आ जाओ, सवेरे सवेरे आ जाओ, दोपहरे आ जाओ, तुम्हें 24 घंटे से नशे वाले मिलने। ये मैनू तो जी धमकी दे रहा जी, जल्द इन्हें मैं इन्हें गल की पहले मैंने कहना जी थोड़ा मैं ना मोटरसाइकिल बैन करना। वो मैं कह मेरे को कागज ने तू मैनू दस, मैं तू किस गल तो मैं ये धमकी दे रहा है। ये कंप्लेट मानयोग CP साहब को भी गई सी, तो उन्होंने वालों मैं डायरेक्शन आई सी कि पड़ताल की जाए। सो यदि असं पड़ताल कर रहे हैं, हूँ तक जी गल पता लगी है कि एक लड़का जरा उत्थे मौके पर खड़ा सीगा जिदे को चिट्टा मिलिया सीगा, उस तो बाद ही मौके पर इतने पत्रकार साहब पहुँच गए थे, जिस करके दोनों पुलिस पार्टी की तो इन्होंने पत्रकार साहब की बहस बसाई होगी। और जरा ये चिट्टा उस लड़के को फड़े गया सीगा, मौका देख के उतों की स्लिप हो गया। सो ये मुकदमा दर्ज फिर भी असी कर लिया उस लड़के से जिदे को चिट्टा फड़िया गया है। बाकी जरा पत्रकार साहब नाल पुलिस मुलाजमान की बहस हुई है, उदा इन्होंने आपस में दोनों की बह के कंप्रोमाइज़ कर लिया है। जरा चिट्टे वाला लड़का है उसकी तलाश जारी है, तो मैं आशा कि अं जल्दी उन्होंने अरैसट कर लवेंगे। मुकदमा असी उसे पहले ही दर्ज कर लिया।
देश दुनिया की हर खबर नाल अपडेट रहने लई साडे जगबानी टीवी दे इंस्टाग्राम अकाउंट नू फॉलो करो और दोस्तां ते मित्रां नाल ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।